दुर्गा पूजा और दिवाली पर बजाज लाया है शानदार तोहफा। हर बाइक पर मिलेगा 5000 का कैश डिस्काउंट और साथ में मिलेगा बैग, ईयरबड्स, हेलमेट और मिक्सर ग्राइंडर जैसे कई शानदार उपहार। साथ ही दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम भी डिलीवरी के लिए है तैयार। जल्दी संपर्क करें बजाज शोरूम में मिर्चाई बारी कटिहार। साइकिल चलाने को लेकर के कानून बनाए गए हैं। अगर कोई साइकिल चलाते समय मोबाइल चलाता हुआ नजर आता है या बात करता हुआ नजर आता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही नशे में साइकिल चलाना भी आपको जेल की हवा खिला सकता है। आखिर कहां पर यह कानून लागू किए गए हैं, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत में भले ही कार और बाइक चलाते समय मोबाइल पर बात करना आम बात है, लेकिन जापान इस मामले में पूरी सख्ती बरत रहा है। यहां तक कि जापान में शुक्रवार को लागू किए गए एक नए नियम के तहत साइकिल चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों को 6 महीने तक की जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। जापान के संशोधित सड़क कानून का उल्लंघन करने वालों को अधिकतम 6 महीने जेल की सजा या 55,167 रुपए का जुर्माना हो सकता है। स्थानीय मीडिया के अनुसार कोविड महामारी के दौरान लोगों ने सार्वजनिक परिवहन साधनों के बजाय साइकिल का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद जापान में साइकिल चालकों से जुड़े दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हो रही थी। साल 2023 में ही जापान में 72,000 से ज्यादा साइकिल दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जो देश में होने वाली सभी यातायात दुर्घटनाओं के 20% हिस्से से भी ज्यादा है। जापान में लागू किए गए इस नए नियम के अनुसार साइकिल चलाते समय शराब के नशे में होने पर भी 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। यानी अगर आप साइकिल चलाते समय शराब का सेवन किए होते हैं तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा इसमें 2,75,948 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यानी जापान ऐसा देश है जहां पर साइकिल चलाने को लेकर के भी नियम बनाए जा रहे हैं ताकि सड़क हादसों में कमी हो सके और लोगों की जान बचाई जा सके। जापान के द्वारा लागू किए गए इस नए नियम को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।